अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, असद ग्राफिक्स चैनल में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, यूँ तो ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को कलर करने में, उसमें कलर भरने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मौके पर मिल सके। तो ये सारा काम हम अडोब फोटोशॉप के अंदर करेंगे। हम चलते हैं, अडोब फोटोशॉप ओपन करते हैं और जो इमेज जिस पे हमने काम करना है वो अडोब फोटोशॉप के अंदर लेकर आते हैं। यू इमेज ड्रैग करेंगे और आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वाइट कलर ऊपर हो, रेड और ब्लैक कलर नीचे हो। और हम इस लेयर की डुप्लीकेट लेयर ले लेते हैं और फिर नीचे एडजस्टमेंट पैनल में जाएंगे यहाँ पर हम सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने कोई भी रंग रख लेना है, ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए होता है, कोई भी मिलता जुलता रंग। या वैसे अगर आप रेड और ग्रीन ब्लू रख भी रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं। ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम आके कलर पे क्लिक करेंगे और फिर इस वाइट एरिया में क्लिक करने के बाद हम इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये कलर पूरी उसके ऊपर है, नहीं जी, इन्वर्ट इसकी शॉर्टकट की है और हमने इन्वर्ट कर लिया। अब ये चेहरा है, ये ब्लैक एंड वाइट है, इसे हमने कलर करना है। हम ब्रश टूल लेते हैं और फिर यहाँ पे कलर करते हैं। वीडियो को सही समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक गौर से देखें और हर होने वाला अमल उस पर हम नज़रें जमा कर देखें। तो ब्रश टूल से मैं आँखें और उसके दांत, उसके जो पार्ट्स जहाँ पे कलर नहीं होना चाहिए उनको मैं नहीं कर रहा, बाकी एरिया में मैं कलर कर रहा हूँ। और कलर आपने बहुत सफाई से करना है, जहाँ पर ब्रश को हमने बड़ा करना है एक प्लेन जगह पर वहाँ पे हम उसे बड़ा कर सकते हैं, जहाँ पे छोटा करना है वहाँ पे छोटा कर सकते हैं। और इस सारी एरिया में हम कलर कर रहे हैं। नाज़रीन, ये तो वो कलर है जो स्किन के साथ मैच नहीं कर रहा, हमने सिर्फ सिलेक्शन के लिए किया था, लेकिन अब हमने अपनी मर्ज़ी से वो कलर यहाँ से पिक करना है जो चेहरे के साथ मैच करता हो। ये देखें, ये तकरीबन ऐसे कलर हैं जो स्किन के साथ मैच हो जाते हैं, उसको रियलिस्टिक बना देते हैं, बिल्कुल इसकी रियल शेप हमें लग रही है। नाज़रीन, ये वो आसान तरीका है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। इस वीडियो में आपने और कोई किसी और तरीके को फॉलो नहीं करना बल्कि इसको गौर से देखना है, तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। ये देखें, जैसे जैसे मैं ब्रश फेरता जा रहा हूँ
सबसे पहले मैं इसका बॉर्डर बना रहा हूँ ताकि कलर यहाँ से बाहर ना निकले। तो आपने ब्रश को छोटा करके उसकी एक लाइन ड्रा कर लेनी है जितनी भी इसकी बाउंड्रीज़ हैं। और जब एक दफ़ा बाउंड्रीज़ लग जाएं, फिर दरमियान में ब्रश बड़ा कर लें और फील फ्री होके आप इसमें फेर सकते हैं। अब मैंने कलर ही वो सिलेक्ट किया है कि जो स्किन के साथ मैच करता है, जो इस ब्लैक एंड वाइट को कलराइज करता है, और जस्ट वन टाइम ही आप क्लिक करने से उसको मटेरियल देख सकते हैं। नाज़रीन ये देखें, इसकी तो लुक ही चेंज हो चुकी है, ऐसा लगता ही नहीं कि ये कभी ब्लैक एंड वाइट था। अब हमने ब्लैक कलर ऊपर किया, वाइट कलर नीचे किया, और वो क्या कर रहा है कि जो हमारा अज़ाफ़ी कलर था जो बाहर निकल गया था, उसे हम क्लिक करेंगे तो वो कलर मिटता जाएगा। हमें कलर मिटाना है तो हमने ब्लैक कलर को ऊपर करना है, वाइट कलर को नीचे करना है, तो अज़ाफ़ी कलर हमारा मिट जाएगा। और अगर हमें कलर इसके अंदर भरना है, जैसे कि मैंने इस तस्वीर के अंदर भरा है, तो वाइट कलर ऊपर होगा, ब्लैक नीचे होगा। एक ये सिंपल सा शॉर्ट सा फार्मूला है, बड़ा आसान सा, सादा से लफ्ज़ों में आपने इसको फॉलो करना है। ये देखें, जहाँ जहाँ कलर बाहर था वहाँ पर हमने किया। और फिर हम दोबारा जाते हैं, अभी हमने इसके होंठ जो है ना वो लाल करने हैं, वो काफ़ी ब्लैक एंड वाइट थे, ये हमने लाल कलर सेलेक्ट किया। दोबारा हम जाते हैं, कलर पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद अपने इस मास्क के ऊपर क्लिक करते हैं और कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये सारा कलर मिट जाएगा। अब जिस एरिया में हमें कलर करना है हम उसी एरिया को कलर करेंगे। अब ये इसके होंठ ब्लैक एंड वाइट है, हम इसे रेड करेंगे। तो अब यहाँ पर कलर नहीं हो रहा क्योंकि ब्लैक कलर ऊपर है, वाइट कलर नीचे है। तो अब हम क्या करेंगे, वाइट कलर ऊपर ले आए, ये देखें हल्का हल्का कलर हो रहा है। इसी तरह हमने इसके मसूड़ों पर, इसके होंठों पर कलर करना है। और फिर अगर आप कहीं पर आपको लगे कि ये कलर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हम उसकी ओपेसिटी कम कर देंगे और वो थोड़ा उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, लाइट होगा जो हमें रियल दिखाएगा। नाज़रीन अब बारी है मैजिक देखने की, ये देखें, लेयर ऑफ़ करते हैं तो ब्लैक एंड वाइट, लेयर ऑन करते हैं तो कलर हो जाता है। ये देखें, कभी होंठ इसके ब्लैक होते हैं, कभी इसके रेड हो जाते हैं। इसी तरह चेहरा कभी ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, कभी इस पर कलर होता है। और कलर बिल्कुल हमने वो कलर सेलेक्ट किया है जो स्किन का होता है, हमने एक काले को गोरा कर दिया। मज़ीद ये कि अगर हमें अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो फ़ोटो HD लेवल की होनी चाहिए। अगर हाई डेफिनेशन, हाई रेजोल्यूशन होगी तो ही काम आप सुथरे से उस पर कर सकते हैं और तब ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है, ख्वाह आप नेट से तस्वीर उठाएं या फिर DSLR से फ़ोटो लें। इस फ़ोटो में बाकी हिस्सा जो ब्लैक एंड वाइट है उसे हमने कलर करना है। इसके हाथ हैं, बाजू हैं, इसकी शर्ट है, तो वहाँ पर भी चूँकि हमने सेम सिलेक्शन की हुई है और उसी को लेके आगे चलेंगे। हमने कलर एक मरतबा सिलेक्ट कर लिया ताकि किसी किस्म का कोई इबहाम बाकी ना रहे, और हम फिल करते जाएंगे। देखें जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ ब्रश फेर रहा हूँ वहाँ पर एक रियल लुक आ रही है। नाज़रीन जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो को कलर करने का कोई एक ही तरीका नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके मुश्किल भी हैं, और हर तरीका एक दूसरे से डिफरेंट होता है, लेकिन काम एक ही होता है।
अगर आप कान एक जगह से पकड़ें दूसरी जगह से पकड़ें तो दोनों मामले सेम हैं। तो हमने वो आसान तरीका इख्तियार किया ताकि जो बिगिनर्स होते हैं उनको सीखने में आसानी हो और काम भी जल्दी से हो सके। इसमें किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपने सॉलिड कलर लेना है और फिर ऊपर कमांड देनी है कलर की नॉर्मल के बजाय, और इन्वर्ट कर देना है, और साइड पे कलर जिस तरह जिस तरतीब से रखने हैं उसी को आपने फॉलो करना है। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मौके पर मिल सके। हमने तकरीबन इसके हाथ और बाजू वगैरह मुकम्मल कर लिए हैं, हमारी दो लेयर्स पर काम हो चुका है, अब हमने शर्ट पे काम करना है। तो हम जो है ना वो एक तीसरी लेयर लेंगे, उसका भी यही तरीका कार है। आपने जाना है एडजस्टमेंट पैनल में, यहाँ से लेना है सॉलिड कलर और कोई भी कलर उठा लें और ओके कर दें। यहाँ पे दोबारा कलर में जाएंगे और ओपेसिटी इसकी जो है ना वो थोड़ी कम कर देंगे। वाइट एरिया पे क्लिक करके हम कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, इन्वर्ट की कमांड होगी, उसके बाद हम ब्रश टूल लेते हैं और फिर इसकी शर्ट के ऊपर हम कलर करेंगे। अभी मैं आपको येलो कलर दिखाता हूँ, जब हम कंप्लीट करेंगे तो आगे आपको और भी बहुत सारे कलर दिखाएँगे। जी तो नाज़रीन, हमारी शर्ट येलो हो चुकी है, ये देखें, लेयर ऑफ करता हूँ तो ब्लैक एंड वाइट, ऑन करता हूँ तो कलर हो जाता है, बिल्कुल कहीं से नहीं लगता कि ये कभी ब्लैक एंड वाइट थी। ये मैंने सारी लेयर ऑफ कर ली हैं और ये देखें, जैसे जैसे मैं लेयर ऑन करता हूँ इसमें कलर आता जाता है। आप चाहते हैं कि शर्ट का कलर कोई और हो तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, मैं ब्लू रखना चाहूँ, मैं रेड रखना चाहूँ, कोई भी कलर हो जो अच्छा लग रहा हो आप वो कलर कर सकते हैं। ये देखें ग्रीन कलर कितना उठ कर आ रहा है, लाइट ग्रीन ग्रीन। साथ ही आपने जूम करके ये देखना है कि अगर कहीं कलर बाहर निकल गया है तो हमने कलर रिमूव करना है। तो कलर कैसे रिमूव करेंगे, ब्लैक कलर ऊपर करेंगे, वाइट नीचे करेंगे, ब्रश को सिलेक्ट करके हम उस एरिए पे क्लिक करेंगे जहाँ पे कलर बाहर है। ये देखें जहाँ जहाँ कलर होगा हमारी वो लेयर ही सिलेक्ट हुई हुई है जिस पर हम काम कर रहे हैं, बाहर वाले कलर को हम रिमूव कर देंगे। ये देखें नाज़रीन, प्रोफेशनल तस्वीर बनाने के लिए ज़रूरी है कि काम भी प्रोफेशनल किया जाए, सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए, बारीकी से उसे देखा जाए, जूम करके देखा जाए, कहीं पर भी किसी किस्म की कोई भी वो कमी बेशी रहती हो तो उसको पूरा किया जाए। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी शर्ट का कलर बदल दूँ, तो
दोबारा मैं कलर वाले पैनल में आया और कलर बदल रहा हूँ। येलो कलर सबसे अच्छा था, मुझे तो यही लग रहा है। लो, मैंने येलो कलर रख लिया। आप इसको ट्रांसपेरेंसी भी ला सकते हैं, ओपेसिटी बढ़ाएंगे, कम करेंगे, जैसे जैसे ये सिलसिला चलेगा वैसे वैसे इसके अंदर कलर आएंगे। ये देखें, मैं जो भी कलर रखता हूँ इसके अंदर वो कलर आ जाता है। बड़ा ही आसान तरीका है। जी तो नाज़रीन, हमारी वीडियो अपने अख्तितामी मराहिल में है। अब हम इसे सेव करेंगे किसी भी नाम से और फिर इसे हम बाद में देखेंगे। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मौके पर मिल सके। उम्मीद है इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये देखें, चेहरे के ऊपर बिल्कुल रियल कलर है। आप इसकी गर्दन देखें, इसके होंठ वगैरह देखें, बाकी चेहरा देखें, बिल्कुल रियल कलर है, जबकि ये ब्लैक एंड वाइट है। कितना डिफरेंस है दोनों में, और कितने ही आसान तरीके से, आसान कमांड के साथ हमने इसकी कलर चेंज कर लिए। और यही तरीका तकरीबन तमाम फ़ोटोज़ के अंदर अप्लाई हो सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।